सांस अब सांस फूलते ही जा रहा है। और ये देखिए मेरे पीछे घोड़े और गधे लोग आ रहे हैं, घोड़े और गधे का झुंड। और ये देखिए यहाँ पर कुछ सूचना लिखा है, माँ भवानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, एक एक ईटा लेकर ऊपर मंदिर चढ़े और पुण्य के भागीदार बने। यहाँ से ऊपर मंदिर ले जाने के लिए तो आप जब भी आते हैं भवानी माता के मंदिर तो इस तरह से ईटा लेकर ऊपर तक ज़रूर चढ़े। तो जितने भी लोग आ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस तरह से ईटा लेकर जाइए ऊपर और माता भवानी के मंदिर तक पहुंचाइए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र छत्तीसगढ़। और आज मैं आपको करेला भवानी माता का मंदिर घुमाने के लिए लेकर जाने वाला हूँ। और इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे आप अभी दर्शन कर सकते हैं, कब तक मंदिर खुला रहेगा, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों को भी पता चल सके कि हमारे छत्तीसगढ़ में इतने खूबसूरत मंदिर है घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। रायपुर से करेला भवानी माता मंदिर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है और डोंगरगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों फाइनली देखिए मैं पहुंच चुका हूं ग्राम करेला में, राजनांदगांव जिले का करेला भवानी माता मंदिर में। और ये देखिए ग्राम करेला का बोर्ड, और इधर से जाते हैं करेला भवानी माता का मंदिर। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर बचा हुआ है करेला भवानी माता का मंदिर। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं करेला भवानी माता का मंदिर। चलिए, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर बचा हुआ है और ये हमारा बाइक यहाँ पर खड़ा है, इससे जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे यहाँ पर आपको नारियल वगैरह वाले दिखेंगे, तो यहाँ से आप नारियल ख़रीद सकते हैं। और अगर आप नारियल ख़रीदते हैं तो आपको निःशुल्क पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी यहाँ। और इधर साइड में होटल वगैरह भी है जहाँ से आप खाना वगैरह खा सकते हैं। तो सबसे पहले छोटी वाली भवानी माता का दर्शन कराते हैं आपको। चलिए, यहाँ मंदिर का टाइमिंग भी लिखा हुआ है, ये देखिए इस दीवार पर लिखा है 1 बजे से 2 बजे तक मंदिर का पट बंद रहता है। और चलिए माता भवानी का दर्शन करते हैं, छोटी वाली माता भवानी का जो कि नीचे में है। ये देखिए घर बैठे दर्शन कीजिए माता जी का। तो ये छोटी वाली माता भवानी का मंदिर है और यहाँ हम दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर एक माता जी का झूला भी लगा हुआ है, झूला में झुलाया जाता है माता जी को। और झूले में देखिए पूरा खिले से खिला लगा हुआ है और उसमें माता जी विराजमान हैं। तो अभी हम छोटी वाली माता भवानी का दर्शन कर लिए हैं, अब बड़ी वाली माता भवानी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इधर से जाना होगा, यहाँ से जाना होगा। तो चलिए फिर चलते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ से इसका एंट्रेंस गेट है। तो यहाँ पर भैया का दुकान है, यहाँ से आप नारियल चुनरी वगैरह ले सकते हैं। और इधर भी दुकान लगता है, फ़िलहाल अभी नहीं लगा हुआ है। तो ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है, यहाँ से जाना होगा। और जो भी दान दक्षिणा किए हुए हैं उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। और भवानी मंदिर का इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अंदर। यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए कुछ सूचना दिया गया है, पढ़ के बताते हैं आपको। कृपया दर्शनार्थियों से निवेदन है कि कार मोटरसाइकिल अंदर ले जाना मना है। ठीक है, तो चलते हैं अंदर। अंदर भी एक दुकान खुला हुआ है नारियल वगैरह का और चुनरी का, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और सामने प्राचीन नाग मंदिर है। तो चलिए सबसे पहले आपको प्राचीन नाग मंदिर दिखाते हैं। ये रहा प्राचीन नाग मंदिर।
प्राचीन नाग मंदिर है ये। नाग नागिन जी की प्रतिमा अंदर में है, ये देखिए। तो अब चलते हैं आगे भवानी माता का दर्शन करने के लिए, और आपको भी दर्शन कराते हैं घर बैठे। घर बैठे आप दर्शन कीजिए भवानी माता का। और अभी तो फ़िलहाल कोई दर्शनार्थी श्रद्धालु दिखाई नहीं दे रहे हैं कोरोना के वजह से। और जिस तरह से बम्बलेश्वरी मंदिर 17 अक्टूबर से पूरा नवरात्रि बंद होने वाला है क्योंकि वहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ जाती है, उसी तरह से यहाँ भी होने की संभावनाएँ बताई जा रही थी बाहर में, भैया लोग बता रहे थे। और आप देख सकते हैं भवानी माता का मंदिर पूरा प्राकृतिक नज़ारों से घिरा हुआ है, पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। और आगे जाएंगे तो सीढ़ी नज़र आएगा, तो सीढ़ी में चढ़कर जाना होता है। करीब 900 से 1000 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर भवानी माता के दर्शन के लिए जाना होता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ का, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और प्राकृतिक नज़ारों के बीच माता का खूबसूरत मंदिर। मेरे पीछे पूरा शांत माहौल है, कोई भी श्रद्धालु यहाँ नहीं दिख रहे हैं कोरोना के वजह से। ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है माता भवानी के मंदिर में, नहीं तो नवरात्रि के पहले ही यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती थी, श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती थी। इतनी भीड़ रहती थी कि यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी। और अभी आप देख ही पा रहे हैं कितना ज़्यादा यहाँ खाली माहौल, शांत माहौल लग रहा है। सामने का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा प्राकृतिक नज़ारा है और प्राकृतिक नज़ारे के बीच माता का खूबसूरत मंदिर। और ये देखो काल भैरव जी का मंदिर, ये काल भैरव जी का मंदिर है। और उसके बाद उधर हम जाएंगे तो कुछ ही दूर में अब सीढ़ियाँ आने वाला है, सीढ़ी चढ़कर जाना होगा। करीब 900 से 1000 सीढ़ी चढ़कर ऊपर माता भवानी के दर्शन के लिए जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सीढ़ी के पास, अब सीढ़ी चढ़कर जाना होगा माता के दर्शन के लिए। और ये देखिए यहां पर कुछ सूचना लिखा है, माँ भवानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, ऊपर मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है, कृपया दर्शनार्थियों से निवेदन है कि एक एक ईंटा लेकर ऊपर मंदिर चढ़े और पुण्य के भागीदार बने। तो फिर अनुमानित लागत यहाँ जो है मंदिर निर्माण का 6 करोड़ रुपये है, तो हम भी एक ईंटा लेकर चलते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। तो चलिए एक ईटा ले लेते हैं यहाँ से ऊपर मंदिर ले जाने के लिए। तो आप जब भी आते हैं भवानी माता के मंदिर तो इस तरह से ईटा लेकर ऊपर तक जरूर चढ़े, एक एक ईंटे से। अगर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और एक एक ईंटे लेकर चढ़ेंगे तो वो जो हज़ार ईंटा भी नहीं होगा, 1000 ईंटा रखा होगा तो वो 1000 ईंटा एक ही दिन में पूरा हो जाएगा, इतने सारे श्रद्धालु आते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी तो कोरोना के वजह से कोई भी श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, तो जितने भी लोग आ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस तरह से ईंटा लेकर जाइए ऊपर और माता भवानी के मंदिर तक पहुँचाइए। यहाँ पर देखिए यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं। यहीं रहते हो गांव में, क्या कर रहे हो, लकड़ी काट रहे हो, लकड़ी ले जाने आए। तो ये गांव के कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, और ये डॉगी काफ़ी देर से, जब से हम एंट्री गेट से आए हुए हैं, ये हमारे साथ ही आ रहा है, साथ साथ आ रहा है। हो सकता है उसको भूख लग रहा होगा इसलिए आ रहा होगा, लेकिन हमारे पास कुछ खाने के लिए देने के लिए नहीं है इसलिए नहीं दे रहे बेचारे को। और ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत सा नज़ारा, पूरा खड़ा सीढ़ी है माता के दरबार तक, इस सीढ़ी को चढ़कर जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। लगभग 900 से 1000 सीढ़ी को चढ़कर जाना होगा माता के दरबार तक। और देखिए अभी माता का दरबार पूरी तरह से सूना लग रहा है, कोरोना की वजह से इस साल दर्शनार्थी दिख ही नहीं रहे हैं। तो चलिए जल्द से जल्द ऊपर चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं।
और सीढ़ी चढ़ने का काम, सीढ़ी का चढ़ना अभी कंटिन्यू करते ही रहते हैं। तो अभी सीढ़ी चढ़ ही रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से ईटा लेकर जाइए और पुणे के भागीदार बनिए। हमारे साथ देखिए डॉगी भी आ रहा है ऊपर। डॉगी बेचारे को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा होगा, इसलिए ऊपर चढ़ रहा है खाने के लिए देंगे करके। और ये देखिए मेरे से पहले चढ़ रहे। हाँ आ जा। तो कंटिन्यू रखते हैं। मैं जहाँ पर रुका हूँ, बैठा हूँ, वहीं पर ये भी रुक गया है और मेरे साथ पूरा एंट्री गेट से पूरा यहाँ तक के चढ़ा है। सोचो, देखो इतना सारा सीढ़ी चढ़ के यहाँ तक आए हुए हम लोग, और हमारे साथ ये डॉगी भी आ गया। और भी अभी सीढ़ी बचा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं रुका हुआ थोड़ा सा, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग रहा है सीढ़ी ऊपर चढ़ने की वजह से। हम लोग पानी बॉटल लाए हुए थे, लेकिन पानी बॉटल कहाँ छोड़े भाई? डिग्गी में, गाड़ी के डिग्गी में ही छोड़ दिए, क्योंकि पकड़ते नहीं बनेगा इसलिए। और मेरा ही सांस फूलते ही जा रहा है। और ये देखिए मेरे पीछे घोड़े और गधे लोग आ रहे हैं, घोड़े और गधे का झुंड। ऊपर से पूरा नीचे तक बोरा ढहकर ला रहे हैं नीचे। ये देखिए कई खूबसूरत सा व्यू है। डर भी लग रहा है, मार तो नहीं देगा ना? ये देखिए, और इन लोग भी कैसे चढ़े होंगे। देखिए कितना इतना ऊपर चढ़ना होगा इन लोग को, और ऊपर से सामान ढहना ढोना। और ये चरवाहा है भैया, अपने घोड़े और गधे के साथ नीचे उतर रहे हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और फिर से ऊपर चढ़ते हैं। माता के दरबार तक जाना है और आपको भी दर्शन कराना है। आप घर बैठे दर्शन कीजिए, और यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा भाई। तो डॉगी भी मेरे साथ आ ही रहा है बेचारा, धीरे धीरे करके, और लगता है वो भी थक चुका है इसलिए वो रुक गया है। तो ये देखिए बहुत ही खड़ी चढ़ाई करके हम ऊपर आए हुए हैं, और हमारे साथ ये डॉगी भी बेचारा नीचे गेट से, नीचे सीढ़ी से पूरा ऊपर तक आ रहा है। उसके साथ एक और डॉगी आ रहा है, ताकि ये लोग खाने के लिए देंगे। बल्कि लॉकडाउन का भी बहुत ज़्यादा असर इन लोगों को ऊपर पड़ा है, क्योंकि श्रद्धालु आते थे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए इन लोगों को देते थे। और हम भी अभी हम लोग बैग नहीं लाए हैं, हमारा बैग नीचे ही छोड़ दिए हैं, इसलिए हमारे पास भी इन लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। तो हम तो कुछ दे नहीं सकते, और साथ ही अपना पानी बॉटल भी नीचे छोड़ दिए हैं, क्योंकि ऊपर पकड़ के चढ़ते नहीं बनेगा इसलिए छोड़ दिए नीचे। तो बेचारा डॉगी यहाँ तक आया हुआ है। अब देखते हैं, अगर ऊपर कुछ दुकान खुला होगा तो इसको खिला देंगे कुछ। अभी और भी बहुत ज़्यादा सीढ़ी बचा हुआ है बोल रहे हैं राजा भाई, और इसके बाद तो और ज़्यादा खड़ी वाली सीढ़ी देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं माता भवानी के मंदिर। और आप देख सकते हैं इधर भी कुछ कुछ दुकानें लगी हुई है, नारियल वगैरह और चुनरी वगैरह ले सकते हैं आप, फ़ोटो फ्रेम। चलिए, नीचे तो कोई भी दुकान नहीं था, ऊपर ही दुकान है, और यहाँ से प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं। आते समय आबो। तो इधर दुकानें लगी हुई है कुछ कुछ। ये माता भवानी के मंदिर तक पहुँच गए हम लोग, और सामने आप देख सकते हैं भवानी माता मंदिर का व्यू। चलिए दर्शन कराते हैं आपको माता जी का। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता भवानी के दरबार में, और चलिए करीब से दर्शन करते हैं माता का। और घर बैठे आप भी दर्शन कीजिए, और जो भी मनोकामना है आप मांग सकते हैं माता भवानी से। ये देखिए माता भवानी है, जय माता भवानी। घर बैठे आप दर्शन कीजिए और जो भी मनोकामना है आप मांग सकते हैं। कुछ कुछ श्रद्धालु भी आते जा रहे हैं, इस बार श्रद्धालु कम दिखाई दे रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए भैया? राजनांदगांव से। अच्छा, राजनांदगांव से कहाँ से आए हैं? नया ढाबा से, वार्ड नंबर 4। अच्छा,
तो आप पहली बार आ रहे हैं कि और भी आ चुके हैं? आते रहता हूँ भाई, मेरा पैतृक गांव है ये। अच्छा, भैया का पैतृक गांव है और आते रहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? रमेश मिश्रा। ठीक है पंडित जी, माता भवानी का मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो नवरात्रि के टाइम काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस बार हुआ क्या है, बम्लेश्वरी मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए नवरात्रि के दिन बंद कर दिया गया है प्रवेश द्वार। तो ऐसा कुछ यहाँ भी हुआ है क्या, नवरात्रि में बंद रहेगा? बंद रहेगा। अच्छा, मतलब 17 तारीख से नवरात्रि में ये पूरा बंद हो जाएगा? बंद रहेगा, लॉकडाउन। नवरात्रि के पहले श्रद्धालु यहाँ के आके दर्शन कर सकते हैं? अच्छा, कितना दिन बंद रहेगा? पूरा 9 दिन तक। पूरा 9 दिन तक बंद रहेगा जी। और यहाँ मंदिर खुलने का टाइम क्या है? 1 बजे से सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से कितने बजे तक? 7 बजे तक। 7 बजे। तो यहाँ मंदिर खुलने का टाइमिंग जो है पंडित जी बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक रहता है। और नवरात्रि में इस बार डोंगरगढ़ मंदिर की तरह भवानी माता का मंदिर भी बंद रहेगा, 17 तारीख से बंद रहेगा। तो 17 तारीख से पहले आप यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी।